फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के जाने माने चेहरे बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी दी। रविवार को बांद्रा के आलीशान ताज होटल में बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने इस शानदार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में बॉलीवुड और टीवी के बड़े बड़े सितारों का जमावड़ा लगा। शाहरुख, सलमान के अलावा बाबा सिद्दीकी की इस इफ्तार पार्टी में ग्लैमर भी नजर आया। बॉलीवुड के साथ साथ टीवी के बड़े अदाकारों ने भी इस पार्टी में शिरकत की। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं कर रहे थे। ऐसे में 2 साल के गैप के बाद बाबा सिद्दीकी की पार्टी काफ़ी खास रही। इस इफ्तार पार्टी में रेड कार्पेट से शाहरुख खान के अलावा हिना खान, ईशा गुप्ता, अन्य हस्तियां भी नजर आई। सलमान खान ब्लैक कलर की टी शर्ट में नजर आए तो वहीं शाहरुख खान ब्लैक पठानी कुर्ते में नजर आए। मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु भी इस पार्टी में देखी गई। शहनाज गिल को भी इस पार्टी में देखा गया। इस साल की इस पार्टी में आयोजित बहुत सारे सितारों की शिरकत थी। पार्टी में टीवी इंडस्ट्री से रश्मि देसाई, सना खान, उनके पति अनस सैयद और वशी ढोलकिया भी पहुंचे। आपको बता दें कि हर साल बाबा सिद्दीकी और टीवी स्टार्स के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। इस पार्टी में शाहरुख खान, सलमान खान हर साल शामिल होते हैं। इस पार्टी से पहले बाबा ने एक बयान में कहा था कि कोविड की वजह से पिछले 2 साल से वे पार्टी का आयोजन नहीं कर पा रहे, बट इस बार वो पार्टी का आयोजन करेंगे, जिसकी वजह से उनका परिवार खासा उत्साहित है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति के एक कद्दावर नेता रहे हैं। साल 1997 से लेकर 2014 तक वे लगातार विधायक रहे हैं। बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति की है। आपको बता दें कि जब सलमान और शाहरुख के बीच झगड़ा चल रहा था तो दोनों को गले लगवाने का काम भी बाबा सिद्दीकी ने किया था। हम बाबा सिद्दीकी और उनके पूरे परिवार को रमज़ान माह की शुभकामनाएँ देते हैं और आने वाली ईद की बहुत सारी विशेज देते हैं।